तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो पढ़ रहे हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स, जिसका हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट, यानी कि पार्ट बी। पार्ट ए हमारा जो चल रहा है, हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर जो चलने वाला है, और उस कोर्स को जो आप है एक मिनिमम कीमत के साथ खरीद सकते हैं, क्योंकि ग्रुप एंड रिंग थ्योरी को हमने जो हमारा जो है पेड कोर्स के रूप में हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसमें हम आपको जो है सारी क्लासेस जो क्लासेस अवेलेबल हैं, आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज और साथ में जो नोट्स के पीडीएफ और जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं, जो बाकी के क्वेश्चन आंसर जो बचते हैं कराने से अलग, उनके भी हम सॉल्यूशन वगैरह के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि आपको एक तरह से फुल जो है उसमें आपको जो है आपकी पूरी बुक जो है अच्छे से कवर कराई जाएगी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 20 से 25 दिन के अंदर हम उस बुक को आपको कवर करा देंगे एप्लीकेशन पर। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो बुक है वो काफ़ी टाइम ले रही है, देखिए हमारी जो है फर्स्ट पेपर लगभग इसका पार्ट बी कंप्लीट हमने यहाँ पर कर दिया है, उसके साथ ही जो पार्ट है हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, और जल्दी ही हम जो है आपका सेकंड पेपर के लिए हम जो बुक है वो शुरू करने वाले हैं। सेकंड पेपर की जो दोनों बुक हैं उन्हें हम शुरू कर देंगे, और 20-25 दिन में हम उन्हें करा देंगे। यानी कि अभी भी हमारे पास 45-50 दिन एग्ज़ाम 47 डेज़ हैं, क्योंकि 17 नवंबर से अगर आप एग्ज़ाम बता रहे हैं तो हमारे पास 45 डेज़ तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, 22-23 दिन में, हम चाहे दिन में दो वीडियो डालनी पड़े तो हम आराम से करा देंगे। देखिए 25 वीडियो में तो एक बुक हो जाती है, 25 से 30 में तो 50 वीडियो, यानी कि अगर हम चाहें तो डेली एक या कभी कभी दो वीडियो डालकर हम आराम से कोर्स पूरा कर सकते हैं, इस बात की आप चिंता मत कीजिएगा। तो चलिए आज हमारा जो चलता है, जो हम करने के जो कल पढ़ा था जो बाइलिनियर फॉर्म मैट्रिक्स की जो बाइलिनियर फॉर्म में पढ़ा था हमने, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं एक या दो या तीन क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो आपकी बुक पर इस टॉपिक का होगा आपसे बिल्कुल नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी है। और इसे करने के कई तरीके हैं, मैं आपको एक सबसे छोटा तरीका बताता हूँ, ठीक है, जो ज़्यादातर आप इसे क्या करें एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, और ये एक तरह से आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। ये क्या क्वेश्चन होते हैं कि देखिए, जैसे फाइंड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म एफ आर टू आर, यानी कि, और ये थ्री का मतलब क्या है, 3x3 का फॉर्म है, जहाँ पर आर रियल नंबर, और सच दैट कि एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री इजिकल टू दिया हुआ है 2x1 - 7x1y3 + 6x2y2 + 5x2y3 + 3x3y1 + 2x3y3। सही है, तो यहाँ पर हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, और हमें इसके जो पहले सबसे पहले मैट्रिक्स निकालना है, उसके बाद रैंक निकालनी है। तो देखिए, आपको आप कहेंगे कि जी रैंक का तो हमें पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स निकालते हैं, और मैट्रिक्स निकालने के बाद मैं आपको रैंक थोड़ा सा समझा दूँगा, और फिर आराम से आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए, फंक्शन के लिए इसे क्या है, इसे मैट्रिक्स अगर आपको निकालना होता है तो सबसे पहले आप इसे इस कंडीशन में रखिए, एक ये लीजिए कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और ये आपका एक लेते हैं लेट, यहाँ पर लेट करके लिख लीजिए, और ये हो जाएगा 1 1 1। इस तरह का एक हम मैट्रिक्स आपका ले सकते हैं, और यहाँ पर ले लेंगे हम y1 y2 y3। ठीक, अब हमने क्या किया, ये x है और ये y है, हमने x को इस तरह से रो के फॉर्म में लिया, y को हमने कॉलम के फॉर्म में लिया, और साथ में बीच में इनके मल्टीप्लाई के लिए रख दिया हमने ये वाला मैट्रिक्स। आप कहेंगे जी ये तो जीरो है, हो जाएगी वैल्यू, तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। दरअसल ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें आप मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, वरना इसका कोई ऐसा रोल नहीं है कि यहाँ पर अगर देखे जाए तो ये सिंपल, ये जीरो है और जीरो मैट्रिक्स सबको जीरो कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए पहले हम इसे सोल्व करते हैं और फिर इसका क्या करते हैं आगे। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर वन की इस रो की पूरे कॉलम में हुई, तो क्या हो जाएगा y1 + y2 + y3, सेम इसकी इधर करी तो हो जाएगा y1 + y2 + y3, और ये हो जाएगा, ये भी सेम हो गया y1 + y2 + y3, यानी कि केवल ये कॉलम आ गया है, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं। अब आपका ये यहाँ पर होगा x1 x2 x3, सही, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब इस रो की पूरे इस कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, रो की करी हमने इस कॉलम में, तो x1 की करेंगे सारों में, तो ये हो जाएगा x1 y1
और ये हो गया हमारा एक्स एक्स वन रो की इसमें कल करी तो कॉलम में तो पूरा हो जाएगा एक मिनट एक्स वन वाई वन प्लस एक्स वन वाई टू प्लस एक्स वन वाई थ्री और ये हो जाएगा इसकी इसमें हुई अभी यहाँ पर होगी एक्स वन सॉरी एक्स टू की करते हैं अब एक्स टू वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू प्लस एक्स टू वाई थ्री इसके बाद हो गया आपका एक्स थ्री वाई वन एक्स थ्री वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री यानी कि यह आपका आ गया है। और इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं कि देखिए क्या होगा कि ये मान लीजिए इस तरह से ये आपका सोल्व करके जो आ गया है एक एलिमेंट तो ये कर लेंगे मान लेंगे ये ए वन है वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री 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 टू एंड ए थ्री थ्री यानी कि इस फॉर्म में आ गया। तो आप अब आप देखिए यहाँ पर जो ये एक्स वन वाई वन है आप ये ऐसा मानकर चलिए कि देखिए ये क्या है इस एक्स के जो वन का मतलब है कि पहली रो ये क्या है वाई क्या है कॉलम यानी कि वन वन यहाँ पर ये रो वन और कॉलम टू इस तरह से यहाँ पर ये रो वन है और कॉलम थ्री है। सेम आप देखेंगे एक्स टू है यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम टू 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 थ्री यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम और यहाँ पर हो जाएगा तीसरी रो पहला कॉलम तीसरी रो दूसरा कॉलम तीसरी रो तीसरा कॉलम यानी कि इसे देखकर आपको क्या पता लगा कि जो एक्स वाई है इसका जो कोफिशियंट है वो ए वन वन होगा एक्स वन वाई टू का कोफिशियंट ए वन टू होगा एक्स वन वाई थ्री का कोफिशियंट ए वन थ्री होगा और एक्स टू वाई वन का कोफिशियंट क्या होगा ए टू वन होगा एक्स टू वाई टू का कोफिशियंट ए टू टू होगा और आपका एक्स टू वाई थ्री का कोफिशियंट ए टू थ्री होगा एक्स थ्री वाई वन का कोफिशियंट ए थ्री वन होगा एक्स थ्री वाई टू का कोफिशियंट ए थ्री टू होगा एक्स थ्री वाई थ्री का कोफिशियंट ए थ्री थ्री होगा। ठीक इसे क्लियर कर लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये जैसे ये है ए अब मैट्रिक्स आ गया हमारा मैट्रिक्स अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि आपका एक्स वन वन दे रखा है इसका कोफिशियंट क्या है दो तो ये ए वन वन की जगह रखा एक्स वन वाई टू यहाँ पर कहीं है नहीं है यानी कि ए वन टू का जो कोफिशियंट है वो ज़ीरो होगा और ये क्या है एक्स वन वाई थ्री भी नहीं है यहाँ पर सॉरी एक्स वन वाई थ्री है माइनस का सेवन है। फिर हमने लिया कि एक्स टू वाई वन यहाँ पर है नहीं है तो उसे ज़ीरो रख देंगे फिर एक्स टू वाई टू का कोफिशियंट है छः और एक्स टू वाई थ्री का कोफिशियंट है फाइव। फिर इसके बाद आते हैं हम तीसरी पर एक्स थ्री वाई वन इसका कोफिशियंट है थ्री और एक्स थ्री वाई टू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर रख देंगे हम ज़ीरो और ये एक्स थ्री और वाई थ्री का कोफिशियंट है टू यानी कि ये आपका मैट्रिक्स केवल देख भर कर आपको पता लग जाएगा। समझ गए पहली बात हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताकर समझाया कि हमने कैसे क्या हमें इसकी कंपेरिजन करनी है और आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप देख कर ही इसे बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि जी मैट्रिक्स तो आ गया अब हम रैंक की बात करते हैं कि रैंक क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले छोटी सी चीज़ बता दूं देखिए रैंक क्या होता है किसी मैट्रिक्स की रैंक आप मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें ऑपरेशन करने के बाद में कि जितनी उसकी रो या जितने कॉलम नॉन ज़ीरो होंगे वो उसकी जो रैंक होगी। सपोज़ कीजिए कि आपकी एक कॉलम है वन टू थ्री और ये कॉलम है टू फोर सिक्स और ये है नाइन इलेवन थर्टीन इस तरह का हमारा कोई मैट्रिक्स है मैं आपको रैंक के लिए बता रहा हूँ आप जानते भी होंगे। तो हमने क्या करा इसमें ऑपरेशन करा आर वन में से हमने क्या घटा दिया ये आर वन रिप्लेस कर दिया आर टू माइनस टू आर वन करके तो ये क्या है कि दोनों घट जाएगा तो ये हो जाएगा ज़ीरो 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 और ये हो गया टू फोर सिक्स नाइन इलेवन थर्टीन। अब बाकी ऑपरेशन करने पर हम बाकी की किसी रो या कॉलम को हम ज़ीरो नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये थ्री बाई थ्री का जो था थ्री जो ऑर्डर का ये जो था आपका मैट्रिक्स था
लेकिन एक रो आपकी इसकी पूरी जीरो हो चुकी है, यानी कि इसकी रैंक क्या रह गई, तो आप इसके अगर लिखेंगे रैंक तो इसकी रैंक हो जाएगी टू। फिर सपोज कीजिए कि आपका मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि है जी 1 4 8 और ये हो गया आपका -1 -4 8 और समथिंग, चलिए कुछ भी 1 4 5 6। जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, अगर इन्हें को कर दिया तो R1 को रिप्लेस करा R1 + R2 से, तो चलिए इसे क्या हो गया, ये हो गया 0 0 0 -1 -4 and 8 and 4 and 5 and 6। और सपोज कीजिए कि कोई एग्जांपल में आप आपको बता दें कि चलिए आप सुनिए कि अगर आपकी क्या है, दो रो या दो कॉलम सोल्व करने के बाद भी कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाए कि उसकी दो रो या आपके उसके दो कॉलम जीरो हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी सोल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा रैंक आपकी 1 रह जाएगी, ठीक है। और ऐसी बड़े जो ऑर्डर के मैट्रिक्स में भी चलता है, अगर चार वाला है तो उसकी चार, मतलब जितनी नॉन जीरो रो या कॉलम होंगे उतने ही आपकी जो है रैंक होगी आपके मैट्रिक्स की, तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ भी कोई सी भी लाइन कितना ही हम ऑपरेशन कर लें, कुछ भी कर लें, कोई भी जीरो नहीं बन पाएगी, तो रैंक ए क्या होगी, ए की रैंक क्या होगी, पूरी 3 होगी, यानी कि रैंक 3 ही होगा, क्योंकि पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम बनाना यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से, तो ये क्या है, रैंक इसकी 3 होगी। इसके बाद हम आगे आते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन कराते हैं, और वो क्वेश्चन मैं अब की बार आपको थोड़ा डायरेक्ट ही करा दूंगा, क्योंकि आपको ये प्रोसीजर तो करना ही है, तो ये प्रोसीजर अब हमने समझ लिया है, तो हम क्या डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीधा हम इसका वो लिखेंगे मैट्रिक्स, और आप क्या है फिर इसकी रैंक बता देंगे, और इस तरह से आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दो तीन क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, और इसी के साथ ही जो है हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स फाइंड करने का। और अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन आप कितने भी कर लें, इन तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया, और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आपका वो आराम से आप उसे कर सकते हैं। तो देखिए कैसे आप इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम फर्स्ट वाले का, इसमें दिया हुआ है फाइंड द मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ द बाइलिनियर बाइलिनियर फॉर्म की फॉर्म F(R³ + R) जो ये क्यूब नहीं होता है, ये मतलब 3x3 ऑर्डर है, टू आर सच दैट कि F(X₁, X₂, X₃, Y₁, Y₂, Y₃) और आपका ये जो है ऑपरेशन दिया हुआ है सेम सेकेंड में। थर्ड में आपका क्या दिया हुआ है, फंक्शन जो दे रखा है वो टू ऑर्डर का दे रखा है, जहां के सच दैट F(X₁, X₂, Y₁, Y₂) क्या है, X₁, Y₁, X₂, Y₂ दे रखा है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम फर्स्ट पार्ट का, तो देखिए क्या है, सीधा मैं आपको करा रहा हूं, आप बाकी की चीज में आपको पहले करा चुका हूं, तो अब हम मैट्रिक्स सीधा करते हैं। यहां पर X₁, Y₁ क्या आपका A₁, 1 1 होता है, तो यहां पर 1 लिखा, 1 2 यहां पर कितना है इसका जो जो आपका जो कोफिशियंट है 5 है, X₁, Y₃ यहां पर है -7 है, X₂, Y₁ -2 है, X₂, Y₂ यहां पर नहीं है तो उसे 0 रखा, और X₃, Y₃ क्या है इसका कोफिशियंट 3, X₃, Y₁ क्या है 3, और X₃, Y₂ है -1, और X₃, Y₃ है हमारा 3, ठीक है। तो हमारा ये आ गया मैट्रिक्स ए, अब आप जानते हैं इसकी रैंक, आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ भी ऑपरेशन आप कर लें या कुछ भी आप इसमें तिकड़मबाजी कर लें, लेकिन ये किसी कोई भी इसकी एक रो या एक कॉलम कभी भी जीरो नहीं हो पा रहा है, यानी कि तीनों के तीनों रो या कॉलम जो है इसके नॉन जीरो रहेंगे, तो आपकी रैंक क्या आ गई है, रैंक आपकी रैंक ए आ गई है, इसकी 3 आ गई, ठीक। मैंने डायरेक्ट कर दिया जो ऑपरेशन, जो आपको जो वो बनाते थे हम फॉर्मूला, वो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में करा दिया, तो उसे बार बार कराने का कोई मतलब है नहीं है, आपने एक बार कर लिया वही आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। फिर आपके बाद आता है सेकंड पॉइंट, जो सेकंड क्वेश्चन है यहां पर आपको दिया हुआ है, तो सीधा हम लिखते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए X₁, Y₁ यहां पर है नहीं है,
यह है कहीं पे एक्स वन वाई वन, ये रहा, यहाँ पर थोड़ा ऑर्डर आपको आगे पीछे करके दे दिया है। तो टू है, एक्स वन वाई टू थ्री है, और एक्स वन वाई थ्री माइनस का वन है। इसके बाद आते हैं हम एक्स टू वाई वन माइनस टू है, एक्स टू वाई थ्री बाकी नहीं दे रखा है, एक्स टू वाई थ्री वाई टू वाई थ्री भी नहीं है, अब एक्स थ्री वाई वन नहीं है, और एक्स थ्री वाई टू माइनस थ्री, और एक्स थ्री वाई थ्री फाइव। यानी कि आपका ये मैट्रिक्स आ गया है ये। अब मैट्रिक्स ये आ गया है, और अब हमें हमें देखिए हम चेक कर रहे हैं कि कुछ भी जोड़ घटा करने पर इसका जो है कोई भी रो या कॉलम ज़ीरो नहीं हो रहा है, यानी कि सारे के सारे नॉन ज़ीरो ही रहेंगे। यानी कि इसकी भी रैंक क्या रहेगी, आपकी रैंक जो आपके मैट्रिक्स की रहेगी वो थ्री ही रहेगी। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। आप देखिए थर्ड पार्ट में आपका टू बाई टू का है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बाई टू का बनाना है। यानी एक्स वन और वाई वन, पहला रो पहला कॉलम वन है, एक्स वन वाई टू यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है तो ज़ीरो रखेंगे, और यहाँ पर एक्स टू वाई वन भी नहीं है, यहाँ भी ज़ीरो रखा, और एक्स टू वाई वन क्या है, वन। यानी कि ये बन गया मैट्रिक्स हमारा ए। अब इसकी रैंक क्या करते हैं, आप जानते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसमें भी कुछ भी जोड़ घटा करने पर पूरी रो या पूरा कॉलम कुछ भी इसमें ज़ीरो नहीं बन रहा है। यानी कि इसकी रैंक भी क्या है, रैंक ऑफ ए यानी कि टू इसकी रैंक है, और दो टू बाई टू का तो था ही है, यानी कि इसकी रैंक दो आ गई है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इन क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या इसमें आ रही होगी। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बस कल हमारा एक जो बुक के लिए तो करियर एक लास्ट लेक्चर रहेगा, और उस लास्ट लेक्चर के बाद में हम बस कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देंगे 5 या 6 लेक्चर में, और वो हम वीक में 2 या 1 या 2 या 3 लेक्चर हम करके आपको करा देंगे, या जो मतलब जो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज में हैं। क्योंकि जब हमने यहाँ पर ये बैच शुरू किया था लीनियर अलजेब्रा का, तो हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं थी, तो हमने अपने पास से ही ये जो थ्योरम और डेफिनेशन जो है अपनी पुरानी बुक्स जो थी, जो BSc वगैरह की जो थी, और उनसे हमने आपको कराया था। लेकिन अब हमारे पास आपकी जो है बुक है अवेलेबल है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन 20-30-40 क्वेश्चन तो हम अब 20 कम से कम, देखिए बड़े क्वेश्चन होते हैं तो 1 या 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन एक लेक्चर में हो नहीं सकता, तो हम 6 या 7 लेक्चर लेने का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या है 20 से 21 या 22 क्वेश्चन हम जो इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हम करा देंगे। फिर उनके ही जैसे 20-25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो आपका आपकी तैयारी फुल हो जाएगी, आपकी जो डेफिनेशंस हैं, थ्योरम हैं, और MCQ के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब आपके क्लियर हो चुके हैं। तो देखिए बस आपका एक लास्ट लेक्चर बचा है, और कल वो लास्ट लेक्चर करने के बाद में आपकी ऑफिशियली जो है बुक एंड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं, नमस्कार।